Citylive, a platform to sharing your thoughts. एक बहन, एक दोस्त, एक बहू और एक पत्नी. न जाने कितने ही रिश्तों को एक महिला शुरुआत से लेकर अंत तक निभाती है और इतनी शिद्दत से निभाती है कि सब में वो अपनी पहचान कहीं खो देती है. लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो समाज में अपना नाम कमाना जानती हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं. लेकिन कैसे उन्हें ये पहचान मिले, कैसे वो ये नाम मिले, इसके लिए WOTFA यानी कि वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड लेकर आता है वो प्लेटफॉर्म जहां उन सभी महिलाओं को एक नई पहचान मिले जो खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती हैं. और इसलिए चार सीज़न तो WOTFA कर चुका है और इस बार पांचवा सीज़न होने वाला है. तो सबसे पहले तो हम आपको इसकी मेंटोर से मिलवा देते हैं, वो हैं कुनिका सदानंद जी. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. ब्रांड ओनर स्वीटी सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत. और अब एडवाइजरी मेंबर जो है, एडवाइजरी काउंसिल मेंबर से भी मिलवा देते हैं. ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं और इसके अलावा अलका बत्रा जी हमारे साथ हैं. तो ये सभी महिलाएं उन सभी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं जो पहचान अपनी खुद की बनाना चाहती हैं, जिनके जज्बा तो बहुत है लेकिन कहाँ से शुरुआत करें, खुद के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, उनको ये पहचान दिलवाती हैं. तो सबसे पहले मेंटोर के पास ही चलते हैं. कुनिका सदानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप चार साल से इनसे जुड़ी हुई हैं, कैसा महसूस होता है और इस बार कैसा लग रहा है? इस पूरी मुहिम में मैं इसलिए जुड़ी हूँ बिकॉज मुझे इसका जो ग्रेटर पर्पस है, इसका जो बड़ा मकसद है वो दिखाई देता है. और चार साल पहले जब हमने शुरुआत की थी, अब तो ये पांचवा साल है, तो चार साल पहले जब शुरुआत की थी तब इतनी सारी सेंसिटिविटी या इतनी सारी जो अवेयरनेस भी महिलाओं के लिए नहीं थी. ऑफकोर्स उसके बाद फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन अब तक ऐसी बहुत सी चीज इश्यूज़ हैं जो एड्रेस करनी चाहिए. तो इसीलिए मैं जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे ऐसे मेरे थिंकिंग के हिसाब से या ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अचीवर्स खुद हैं. हाँ. जो समाज में बहुत काम कर रही है, वो सब हमारे इस पूरे मुहिम का हिस्सा हैं. सो आई थिंक इसकी वजह से हम लोग कुछ फ़र्क पैदा कर सकते हैं. दूसरी बात, औरतों को पहचान दे सकते हैं जिन्होंने कुछ किया है, उनको सराहा सकते हैं, वो दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं. और एक बड़ी बात होती है कि महिला एक महिला को एम्पावर करे बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समाज में आधी आबादी जो है वही उसी को अपेक्षित माना जाता है, उपेक्षित जो है वो माना जाता है. स्वीटी जी, आप इससे शुरुआत से जुड़ी हुई हैं, ब्रांड ओनर इसकी हैं, कैसा महसूस होता है, क्या लगता है, और इतनी महिलाओं को आप अभी तक सम्मानित कर चुके हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है. और जो एक मोटो लेकर के हमने शुरू किया था ये कि एटलीस्ट 10 ईयर्स में हम 500 महिलाओं को सम्मानित करेंगे, इसके पीछे यही था कि अगर कोई महिला सशक्त, महिलाएं सभी सशक्त हैं, लेकिन अगर हम उनके काम को पहचान दिला सकें और दूसरी महिलाओं को मोटिवेट कर सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती. मोटो यही था कि जो महिलाएँ काम कर रही हैं उनको एक पहचान मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले. हाँ. इस मोटो के साथ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया. शुरुआत तो कर दी थी, चार साल चार सीज़न इसके आप कर चुके हैं, पांचवा सीज़न ये है. और पार्टनर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी हमेशा इस बात को हमेशा प्रोत्साहित करता रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इसलिए ये पांच महिलाएं, चार महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार हर साल महिलाओं को आगे बढ़ाने का, सशक्त करने का काम करती हैं. ज्योति जी आपके पास आते हैं, क्योंकि आप खुद जो हैं आप राजनीति में हैं, तो इसे कैसे देखती हैं, क्योंकि राजनीति में बहुत महिलाएँ नहीं आती हैं. कि मैं WOTFA के लिए तो बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं कि कुछ अच्छा काम करो तो ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, या दान तो ऐसा हो जो गुप्त होना चाहिए. पर मैं थोड़ा इससे अपना डिफरेंट अपना व्यू रखती हूँ कि आप जितना हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे हमें ज़रूर बताना चाहिए. उसके दो फायदे होते हैं. एक तो आज हम समाज में इतनी नेगेटिविटी देखते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, कुछ अच्छा शायद हो ही नहीं रहा है. तो जब ऐसे अच्छे लोगों को काम करते हुए देखते तो लगता है नहीं नहीं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव करने वाले लोग भी हैं. और दूसरा, और लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता एम्पावर करने का. विमेन को भी देख करके जब दूसरी महिलाएं देखती हैं और देखती हैं अरे वाह, ये अपने इतने कम संसाधनों में बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों से आकर के, या आपने जैसा राजनीति में भी कहा कि राजनीति में महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है और उन्हें अच्छा
अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि नहीं नहीं अच्छी महिलाएं राजनीति में नहीं। लेकिन अगर साफ छवि के साथ भी राजनीति की जा सकती है, ये मैसेज हम दे सकें तो हर फील्ड में महिलाओं को मौका मिल सके, वो आगे आ सके, तो इस यही सबसे बेस्ट तरीका है विमेन को एम्पावर करने का। और उसी मोटो के साथ हम चल रहे हैं और इसीलिए वोटफा ने पहले केवल अवार्ड्स के साथ शुरू किया था, लेकिन अब वो गर्ल्स एजुकेशन की तरफ भी बढ़ रहा है, उनकी हेल्थ को अवेयर करने के लिए सेमिनार्स की तरफ भी बढ़ रहा है, और कैसे हम और महिलाओं को सशक्त कर सकें, या हम यूँ कहें कि उनकी पहचान तो है, टैलेंट तो है, पर उसे निखारने का काम कर निखारने का काम किया जाता है। और बल्कि जब औरतें जो होती है, महिलाएं देखती हैं कि और औरतें भी आगे बढ़ रही हैं, तो वो अपने हुनर को आगे ज़रूर बढ़ाती हैं, ये देखने को मिलता है। अलका जी, आप बताएं, चूँकि आप प्रेसिडेंट रहीं फिक्की की और आपने बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भी किया, तो आप अब इसको कैसे देखती हैं? चूँकि 4 साल इस सीज़न के बीत चुके हैं, अब कितना बदलाव आप समाज में देखती हैं? ऑफ़ कोर्स मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं वोटफा के साथ सीज़न 1 से जुड़ी हुई हूँ, और सीज़न 2 हमने फिक्की फ्लो के साथ भी इसका किया था। तो मैंने इस अवार्ड जो भी हम वोटफा को कहें को उसको कंसीव होके बढ़ते हुए देखा है, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है कि फ़र्स्ट सीज़न में हमको सिर्फ जयपुर या जयपुर के आसपास की महिलाएं के नॉमिनेशंस मिले थे, सेकंड थर्ड सीज़न से आते आते वो राजस्थान से बाहर निकला और बाहर से नॉमिनेशंस आए, और अब तो फोर्थ और फिफ्थ सीज़न के अंदर हमको इंटरनेशनल नॉमिनेशंस भी मिले हैं, कुछ इंडियंस NRIs जो बाहर हैं उनके भी हम लोगों को नॉमिनेशंस मिले हैं, और 400-500 की संख्या में आपके पास नॉमिनेशंस आए हैं और उसमें से आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा ग्रोथ पाथ है जो अभी वोटफा का आया है। इसके अलावा हर महिला, मैं तो कहती हूँ हर पुरुष, हर महिला, सबको एक प्रशंसा अगर मिलती है तो मोटिवेट होता है वो आगे अच्छे काम करने के लिए। घर परिवार, फैमिली और अपने रिश्तेदारों को तो सभी जने देखते हैं, और ये वोटफा जो है वो उन महिलाओं को पहचानता है और उनको मोटिवेट करता है, उनको ऑनर करता है जो जिन्होंने इन सबसे हटकर उससे आगे कुछ किया है। और एक मोटिवेशन एक महिला को अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से उससे 10-20-30 महिलाएं और मोटिवेट होती हैं कुछ और करने के लिए, तो एक बहुत अच्छी थॉट है। और इसके साथ अगर ये काम किया जा रहा है तो इसके लिए मुझे लगता है कि अभी तो ये आई थिंक इट इज़ यंग, अभी ये और आगे जाएगा और अच्छा होगा। और महिला सशक्तिकरण और गर्ल से रिलेटेड, गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ काम कर रहे हैं, और हम सब आप देख रहे हैं कि वेरिड फील्ड के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं खुद, मुझे भी नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, तो मुझे मालूम है कि एक अवार्ड मिलने के बाद आप अपने आप को और रिस्पॉन्सिबल और मोटिवेटेड फील करते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई टुवर्ड्स योर सोसाइटी। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्लेटफॉर्म टू डू दिस, एंड आई विश कि इसी तरह से ये बढ़ता रहे, चलता रहे, और आगे और बहुत सारी महिलाओं को इससे मोटिवेशन मिले। बिल्कुल, तो जिस तरह से महिलाएँ जब आगे बढ़ती हैं, फेमस होती हैं या काम अपना आगे करती जाती हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिम्मेदारी होती है कि और जो दूसरी महिलाएँ जिनमें हुनर है उनको आगे बढ़ा जाए। कुनिका जी, आप फिल्मों से हमेशा से जुड़ी रही हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, इवन मैं भी आपकी बहुत सारी फिल्में देखती रही हूँ, तो चूंकि हम सब ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आप इसे किस तरह से देखती हैं? क्योंकि महिलाएं अभी भी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उस तरफ बहुत कम जाती हैं या उसे गलत तरीके से भी देखते हैं, तो यहाँ कितना सशक्त होना ज़रूरी है महिलाओं को? सॉरी, लेकिन मैं आपसे थोड़ा डिफर करूँगी। वो एक ज़माना, मैं 32 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैं उस दौर में भी थी जब फिल्मी दुनिया के लोगों की बेटियां नई फिल्म इंडस्ट्री में आती थी, बाहर की लड़कियां आती थी, और फिल्म इंडस्ट्री के जो जैसे राज कपूर साहब की पोतियां हैं जैसे करीना, करिश्मा, वो मेरे आने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की, रवीना टंडन, ये सब फिल्म की बच्ची हैं, फिल्मी फैमिलीज़ की बच्ची हैं। जब से उनका आगमन हुआ है तब से एक माइंड शिफ्ट हुआ है, एक चेंज हुआ है, और उसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है कि बजट्स इतने हाई हो गए हैं, इतना प्रेशर हो गया है लोग, मतलब ऑन द प्रोडक्शन हाउस एंड ऑन द डायरेक्टर, कि अब उस तरह से जो महिलाओं को जिस तरह से नज़र से देखते थे फिल्म इंडस्ट्री में, हमने बहुत देखा, ये मी टू मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि हम लोग ने इतना सब देखा था उस टाइम पर, हम बहुत सी महिलाएँ जो मुँह नहीं खोल सकती थी, तो अब ऐसा नहीं है, अब बहुत चेंज हो गया है, माइंड सेट चेंज हो गया है, बाहर के बहुत सारे घरों की बच्चियाँ आ रही हैं, हर रोज़ कम से कम 5,000 लड़कियाँ मुंबई लैंड करती हैं हीरोइन बनने के लिए, वो कोर्सेज कर रही हैं, और टेक्निकल हो गया है और प्रोफेशनल हो गया है, सो इट इज़ डेफिनेटली चेंज, एंड गर्ल्स आर कमांडिंग अ प्राइस टुडे इन फॉर देयर वर्क दैट दे आर डूइंग, दे कमांड अ रिस्पेक्ट,
एंड इवन द ऑडियंस हैज चेंज्ड. बिल्कुल बिल्कुल. कुनिका जी, आप जैसे ही लोग हैं जो माइंडसेट बनाते हैं कि फिल्मों में काम करना भी गलत नहीं है और आप बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं. स्वीटी जी, आप 4 साल से सीजन से जुड़ी हुई हैं, ब्रांड ऑनर इसकी हैं, 250 महिलाओं को अभी तक अवार्ड मिल चुका है. आप इसे कैसे देखती हैं? आपने इसके लिए कितना मेहनत की है, कितना हार्डवर्क किया है और महिलाओं को कितना आगे बढ़ते देखती हैं? देखिए, 4 साल में बहुत ग्रो किया है इस प्रोग्राम ने. जैसा पहले ये सिर्फ जयपुर से रिलेटेड था प्रोग्राम, और धीरे धीरे हमने राजस्थान में इसको फैलाया. सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इसमें रोल रहा, और अब नेशनली और इंटरनेशनली हम लोग बढ़ गए हैं. ग्लोबली एक तरह से कह सकते हैं कि वोटफा ग्लोबल हो गया है. और इसको बढ़ाने के लिए हमने इस साल एक हमारा प्रोग्राम लॉन्च किया, ग्रो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोटफा, जिसके अंतर्गत हमने स्टेट कोऑर्डिनेटर्स बनाए अपने अलग अलग स्टेट. 7 states में हम कोऑर्डिनेटर्स बना चुके हैं. इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर्स हमने बनाए हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और जहाँ जहाँ हमने कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं वो महिलाएं, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन स्टेट से काफ़ी अच्छे नॉमिनेशंस हमें मिले हैं. तो बिल्कुल. लेकिन स्वीटी जी, ये बहुत मुश्किल काम होता होगा, क्योंकि 250 महिलाओं को पूरे 4 साल में आपने 250 महिलाओं को चुना है. कितना मुश्किल काम है, पूरे आप देश से विदेश से निकाल के ला रही हैं हुनर को. देखिए, इसके अंदर ये है कि अकेले मेरी मेहनत नहीं है, मेरे साथ 30 members की टीम जुड़ी हुई है, चाहे वो एडवाइजरी काउंसिल मेंबर्स के रूप में हो, चाहे वो जूरी मेंबर्स के रूप में हो. कुनिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नंदिता जी हैं. तो ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, ये हम 30 और उसके अलावा जितने भी अवार्डीज होते हैं वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए. मैं एक बात बोलना चाहूँगी इसमें, मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू अपने जूरी मेंबर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है. क्योंकि जब लोग नॉमिनेट कर, किसी किसी के पास उनका नंबर आ जाता है या कहीं से वो ढूंढ निकालते हैं, खास करके जयपुर में क्योंकि वो रहते हैं. वी हैव ऑनेस्ट डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग जूरी मेंबर्स. आज तक ऐसा कभी नहीं सुनने में आया कि हमारे किसी जूरी मेंबर ने किसी को अपने अपनी पहचान वाले को रिकमेंड किया, क्योंकि एक नहीं है ना, देयर आर सो मेनी हु हैव टू, इट हैज टू गो थ्रू अ होल कमिटी. सो आई थिंक द होल स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ऑब्वियसली द ब्रांड ओनर स्वीटी जी एंड अजीत जी ने जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया और जिस तरह को उसको फॉलो किया जा रहा है, आई थिंक इट्स परफेक्ट. मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी इसमें रखी जा रही है. बिल्कुल, जो कहीं कोई रोल नहीं है इसके. बिल्कुल बिल्कुल. ज्योति जी, आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने ये तो बताया कि हम एक माइंडसेट बना देते हैं और आगे बढ़ते रहना चाहिए महिलाओं को. लेकिन अब इस शो की बात करें, वोटफा की, आप इतने टाइम से जुड़ी हैं, देख भी रही हैं, तो आप इसको, इस सीज़न को किस तरह से देखती हैं? मुझे खुशी है इस बात की कि मैं वोटफा के फर्स्ट सीज़न से ही जुड़ी हुई हूँ. और मैंने देखा है कुनिका जी को कि पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने इस शो के लिए अपना टाइम निकाला है. और जहाँ जहाँ, जब जब, जो जो सजेशंस उनको लगता था कि सजेशंस जहाँ जहाँ मिले वहाँ से लेते रहना चाहिए और इम्प्रूव करते रहना चाहिए. डेफिनेटली वोटफा 1 से वोटफा 5 तक का सफ़र बहुत अच्छा सफ़र है, लंबा सफ़र है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं. और इतनी महिलाओं को जो अवार्ड्स मिले हैं वो उन महिलाओं के लिए, मैं यूँ कहना चाहूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा यूँ एक और ज़्यादा मोटिवेशन करने वाले, देने वाले होते हैं काम करने के. तो उनको लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं तो हमें पहचान मिल रही है. और ये बहुत ज़रूरी भी होती है. वोटफा 5 में आकर के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 455 नॉमिनेशंस आना और फिर उसमें से 40 को सेलेक्ट करना, और जैसा मैंने पहले कहा था कि न केवल अवार्ड्स देने तक वोटफा 5 अब रहा है, बल्कि अब उसने हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के, क्योंकि हम अगर सबसे ज़्यादा देखते हैं तो महिलाएं अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरलेस होती हैं. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो इग्नोर करती हैं, चाहे वो हीमोग्लोबिन को लेकर के हो, चाहे सिंपल कई बार जो कैंसर के टेस्ट करवाने को लेकर के हो, या उसकी जानकारी को लेकर के हो, मोनोपॉज की जानकारी को लेकर के हो, बहुत ज़्यादा केयरलेस करती. ठीक है, ये सब कुछ तो चलता है और होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को और ख़ुद को संभाल सकती हैं. तो एक हेल्थ सेमिनार के तौर पर जिस तरीके से वोटफा ने इस बार काम किया है, मुझे उम्मीद है कि वो फ़ायदेमंद तो होगा ही होगा. और साथ ही आगे आने वाले जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के वोटफा जो एक अच्छी प्लानिंग रखता है कि हम ये प्रयास करें कि किसी भी, और मैं तो खुद भी कहना चाहूँगी, जब मैंने इलेक्शन फाइट किया था तब मैंने भी इस बात को कहा था कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में अगर किसी भी बच्ची को
अगर फीस की वजह से या उसके पेरेंट्स या परिवार उसको ना पढ़ने दे रहा हो, कहीं रुकावट बन रहा हो, और अगर मुझे पता चलेगा तो मैं ये इंश्योर करूँगी कि उसकी पढ़ाई चालू हो सके दोबारा और उस बच्ची को मौका मिल सके, एक जो अवसर जो उसे मिलना चाहिए आगे बढ़ने का वो उसे मिल सके, उसके लिए चाहे उसके परिवार से मिलना हो, चाहे फीस का अरेंजमेंट करवाना हो, हम सब ये सब काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो हम ये चाहेंगे कोई भी बच्ची बिना शिक्षा के ना रहे और अपने आप को समाज के साथ जोड़ करके आगे बढ़ती रहे। हम मानते हैं कि आज सुरक्षा एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तो उस दिशा में भी हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि आगे काम करें। ज्योति जी, जैसा आपने कहा भी कि अगर एक महिला या बच्ची पढ़ेगी तो आगे दो पीढ़ियां जो है उनका नाम रोशन तो होगा ही, वो भी पढ़ेंगी। अलका जी, आपसे मैसेज लेना चाहेंगी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी महिलाओं को? देखिए, महिलाओं के लिए मैसेज यही है कि मैं ये मानती हूँ कि हम हिंदुस्तानी महिलाएँ सबके सब इनबॉर्न बहुत टैलेंटेड है। हर महिला, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में रहती हो, उसमें कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। वो बहुत अच्छे, आप देखिए कि बन्ना बन्नी गाने गा लेती हैं, सिलाई कढ़ाई पापड़ अचार, मतलब आप इतनी चीज़ें उनके अंदर होती हैं कि हम लोगों को सिर्फ उनको पहचानने की और उनको उभारने की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन रिकग्नाइज देमसेल्व्स एंड डू समथिंग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो आई थिंक वोटफा जो प्लेटफॉर्म है, आप अभी स्वीटी जी से पूछ रही थी कि 400-500 महिलाएं जो हमने ऑनर किए हैं या अभी तक जिनको अवार्ड दिए हैं वो कहाँ से मिली, तो दिस इज़ अ चेन। एक बार एक को ऑनर मिलता है तो हम, आई थिंक आप लोगों को भी पता है, प्रोसेस में ये होता है कि नॉमिनेशन के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप नॉमिनेट करिए आपके आसपास की महिलाएं जो सब कुछ 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 कर रही हैं। हाँ। तो इस हिसाब से हमारे पास बहुत सारा बड़ा डेटा आ जाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप जो आज 500 हैं वो 1000 होंगी और हाँ। उनमें से हमको 40-50 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये इसलिए ये नंबर्स इतने अच्छे हैं कि हम महिलाओं में इतना टैलेंट है, सिर्फ पहचानने की, मोटिवेट करने की, पुश करने की, हाथ देने की ज़रूरत है। जी। Citylive, a platform to sharing your thoughts. स्वीटी जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि चूंकि आप 4 साल से इससे जुड़ी हुई हैं, आपने इस बात को कैसे सोचा कि अब महिलाओं को सशक्त करने की बहुत ज़रूरत है और इसलिए वोटफा की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, मेरी जो सोच थी इसके पीछे, मैं कहूँगी हमारी सोच, मेरे और मेरे हस्बैंड की, सशक्त करने की सोच नहीं थी। महिला एम्पावर है ऑलरेडी। हमारी सोच थी महिला, जो महिलाएं काम कर रही है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने की, उनको मोटिवेशन देने की, जिससे कि आज जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा या मेरे काम को सराहा जाएगा तो मैं और मोटिवेट होंगी और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। तो इसके पीछे सोच यही थी कि जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें एक पहचान मिले, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, अपने काम को समाज के सामने ला सकें। यही हमारा इसके पीछे एक मोटो था। और महिला, मैं ये नहीं कहूँगी कि सशक्तिकरण के लिए हमने ये किया है। महिलाएं, मैं मानती हूँ कि उनको सिर्फ एजुकेट करने की ज़रूरत है अपने राइट्स के लिए, अपने जो वो कर सकती हैं समाज में आगे आने की ज़रूरत है, याद दिलाने की तो बहुत है उनको, लेकिन बस आगे बढ़िए। बिल्कुल, ये चलिए। और आगे अभी हमारे साथ जूरी मेंबर भी जुड़ गई हैं, दो डॉक्टर रीमी शेखावत हैं और साथ में ही हमारे साथ टीना सहानी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर रिमी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जूरी मेंबर इसकी बनी, कितना मुश्किल होता है किसी भी अवार्डी को चुनना? मेरा ये मानना है कि वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड्स, जो कि अपने 5th सीज़न की ओर बढ़ रहा है, ये एक अवार्ड प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मेरा ये मानना है ये एक ऐसी मुहिम है, ये एक ऐसी खोज है जिसके अंदर भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने से जो भी महिलाएं अपने आप में एक पहचान बनाने की कोशिश में हैं या जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, उसे और ज़्यादा आप मानिए कि शार्पनेस दे रहे हैं या हम उन्हें एक दिशा दिखा रहे हैं जिससे कि वो अपने फील्ड के अंदर, जैसे स्वीटी ने बताया कि उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और ज़्यादा मोटिवेशन, और ज़्यादा एक स्किलिंग की तरफ हम लोग एक बढ़त बनाने की कोशिश में हैं। और बींग अ जूरी मेंबर, इस बार हमारे पास में कम से कम भी 455 महिलाएं सारे विश्व से आई हैं और उसमें से छांट के 40 महिलाओं को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें हर एक उम्र की हैं, हर एक फील्ड की हैं, अलग अलग उनकी सबकी पहचान है। तो हमने कोशिश ये करी है कि हर किसी के साथ में हम एक जस्टिस करें। बिल्कुल। और टीना जी, चूँकि जैसा कि रिमी जी ने कहा है कि हर फील्ड से औरतें थी, हर एज ग्रुप की थी, आपके लिए कितना मुश्किल रहा कि किसी एक फील्ड की, किसी एक हुनर को तलाशना और उसको अवार्ड देना?
बहुत अच्छी बात पूछी आपने. काफ़ी मुश्किल रहा क्योंकि 455 काफ़ी बड़ा नंबर है और उसमें बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो एक ही फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं. लेकिन हमें ये ज़रूर वेरिएशन रखना था कि मेजॉरिटी एरियाज़ हम कवर कर सकें. ऐसा नहीं हो कि हम एक ही दिशा के सारे कैंडिडेट्स ले लें. तो कोई एजुकेशन में है, कोई ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई सोशल वर्क कर रही हैं. तो हमने कोशिश ये करा कि सब तरह की महिलाओं को और सब एज ग्रुप को. इस बार तो हमारे पास बहुत छोटा एज ग्रुप भी है और एक बच्ची है जो जब आएगी तो आप देखेंगे बहुत खुश होंगे कि एक छोटी सी उम्र में वो कितना अच्छा काम कर रही है. नाम रिवील कर सकती हूँ, हम ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हैं फेसबुक पे. थैंक यू. सो वो है. उसके अलावा डिफरेंट विलेजेस से भी जो सबर्ब एरियाज में भी काम करती हैं अच्छा, जिनको वहाँ भी इतना प्रमोशन नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ इतना एक्सपोजर नहीं है. तो हमने कोशिश की, बल्कि इस बार जयपुर से सिर्फ 5 महिलाएँ हैं जी. सो आप सोचिए कि डिफ़िकल्टी लेवल रहा, लेकिन हमने बहुत खुशी से और बहुत अच्छे मन से. और मैं एक अच्छी बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जितनी भी जूरी मेंबर्स थे सब ने इतने पॉजिटिव अप्रोच से काम किया. बिल्कुल. और बहुत अच्छा लगा उनका. बहुत अच्छा ये काम था और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. तो वो पॉजिटिविटी जूरी मेंबर्स के बीच में आई. स्वीटी जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब जब जूरी मेंबर्स से तो हम बात कर रहे हैं, वो उनके लिए कितना हार्ड टास्क था ये उन्होंने बताया, आपके लिए कितना हार्ड टास्क था कि जूरी मेंबर जो पूरी ट्रांसपेरेंसी से है वो काम करें. देखिए, जो लकीली मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे साथ जो जूरी मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो किसी की अप्रोच को नहीं मतलब सुनते हैं वो किसी की अप्रोच को, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं. अगर उन्हें लगता है कि कोई कैंडिडेट है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो उनका जानकार है तो ही शेयर कर रहे हैं. अगर उनको लगता है कि ये जो नॉमिनेशन आया है ये बहुत अच्छा है, या उनकी नॉलेज में ऐसा भी है कि ये फेक आया है अगर कोई, तो आपस में शेयर करके सबसे और सबकी नॉलेज में वो लेकर के आते हैं. और लास्ट 5 ईयर्स से सभी जूरी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के अपना फाइनल सिलेक्शन करते हैं. चलिए, यहाँ टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, रुकते हैं और जल्द ही लौटते हैं. Citylive, a platform to sharing your thoughts.